रतलाम जिले में 22वें खेल चेतना मेले का भव्य शुभारंभ किया गया। इस शुभारंभ अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। चैतन्य कश्यप फाउंडेशन और क्रीडा भारती के संयुक्त तत्वावधान में मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ मार्च पास्ट और सूर्य नमस्कार के साथ किया गया। इस मेले में कुल 17 प्रकार के खेल जैसे क्रिकेट, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी, शूटिंग के मुकाबले देखने को मिले। वहीं इस आयोजन में कई प्रबुद्ध जन मौजूद थे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार को एक वर्ष से ज्यादा हो चुका है, लेकिन पूरे प्रदेश के हर वर्ग में घोर निराशा और हताशा है। एक वर्ष से ज्यादा की अवधि हो गई, इस अवधि में घोर निराशा हताशा पूरे राज्य के हर वर्ग के मन के अंदर व्याप्त है। और तो और कांग्रेस पार्टी के विधायक जिनके दम पर ये सरकार चल रही है, अल्पमत की सरकार, वो भी घोर निराशा और हताशा के वातावरण में है। नरसिंहपुर जिले की एक गाडावारा की विधायक श्रीमती सुनीता पटेल जी ने बड़ी व्यथा के साथ में इस बात को कहा है कि मैं मां नर्मदा की कसम खा के और टिकट लेके कांग्रेस पार्टी की चुनाव लड़ी थी, नर्मदा मैया की कृपा से मुझे जीत मिली और मैं विधायक बनी, लेकिन मेरी कसम पूरी नहीं हुई। नर्मदा जी का सीना आज भी छलनी किया जा रहा है बड़ी बड़ी मशीनों से, डंपरों से, हजारों की संख्या में। मेरे लाख रोकने के बावजूद भी नहीं रोक रहा है। अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, थानों में पैसे लिए जा रहे हैं, एसपी कलेक्टर पैसे ले रहे हैं, मिनिस्टर पैसे ले रहे हैं। JSR टाइम्स के लिए रतलाम से कीर्ति वरा की रिपोर्ट।